इस केस की स्थिति अभी यह है कि उनकी बेल आज शाम को 7:30 बजे तक मिली है बेल। आज देव सरोहा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस कोर्ट से, मगर इसमें अहम बात यह है कि किस तरीके से झूठे सबूतों के बुनियाद पर झूठे मुकदमे तो दर्ज किए जाते हैं, वो भी दिल्ली पुलिस की महनाज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंसी है स्पेशल सेल द्वारा, और अरेस्ट करने के बाद ऐसे ऑफेंसेस में अरेस्ट किया जाता है जो बेलेबल ऑफेंसेस थे सारे, उसके बाद नॉन बेलेबल बनाने के लिए उसमें धारा 153 ए जोड़ी जाती है। ये बहुत ही दुख की बात है कि पुलिस इस तरीके से मिलीभगत से काम कर रही है और अपने जो उनकी ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैचुटरी उसके खिलाफ जाके एक क्राइम कर रही है एक तरह से। अरनेश कुमार की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की धज्जियां उड़ा के अरेस्ट किया और अरेस्ट के करने के बाद उनको इतना टॉर्चर किया कि वो इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं आरएमएल हॉस्पिटल में। अब जब उनका अरेस्ट करते टाइम मेडिकल कराया गया, वो बिल्कुल हेल एंड हार्टी एकदम तंदुरुस्त थे, उसके कुछ ही देर बाद ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें पहले एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ उनको इलाज करने से मना कर दिया कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, फिर दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर DDU हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हालात उनकी इतनी सीरियस थी कंडीशन के उन्हें फिर आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनको अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। तो इन हालात में भी जो पुलिस है वो उनकी बेल अपोज कर रही थी और ये बोल रही थी कि नहीं, हमें इनसे पूछताछ करनी है और अभी हमने इनकी पुलिस रिमांड लेनी है। मतलब इतनी पिटाई करने के बाद भी पुलिस वाले इस तरीके की उनकी जानलेवा जो जान लेने की जो कोशिश की गई है, ये पुलिस की कार्रवाई दिखाती है कि किस तरीके से मनुवादी जो हैं वो अपनी काम को ठीक करने के लिए या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किस हद तक जा रही है पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी। ये इस केस का जीता जागता सवाल है और ये सभी चीज़ें अदालत ने भी इस ऑर्डर में भी मेंशन की है कि IO ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, FIR पहले ही दर्ज कर ली, अभी ये भी नहीं देखा कि पूरी वीडियो क्या है, ये भी ऑर्डर में दर्ज है क्योंकि यही सच्चाई। तो एक पूरी तरीके से झूठा इल्ज़ाम लगा के झूठे सबूत झूठी गवाह इकट्ठे करके पुलिस ये कार्रवाइयाँ कर रही है, किस लिए कि लोग अपना संवैधानिक हक यानी कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट ना कर सके, खास तौर पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग जो हैं वो SC ST जो हैं वो दूसरी माइनॉरिटीज़ के साथ मिलकर भारत के संविधान की रक्षा ना कर सके, उसकी कार्रवाई हो। प्राचा साहब, लौटूंगा मैं आपके पास कई अहम सवालों को लेकर, लेकिन अभी हमारे साथ जो सतपाल की पत्नी हैं वो इस वक्त जुड़ रही हैं, इनसे कुछ अहम सवाल करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस वक्त गिरफ्तारी हुई है उस वक्त क्या परिस्थितियां थी वो सतपाल की पत्नी ही हमें बता सकती हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते इस लाइव कार्यक्रम में, मैं पूछना ये चाह रहा हूं आपसे कि क्या तारीख रही वो कि जब गिरफ्तार किया गया, किस परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। 16/6/2022 को हम लोग यहाँ गुड़गांव आए थे देवबन से, और वहाँ पर मेरी भाभी का एक्सीडेंट हुआ था जो कि एक्सपायर हो गई थी, और यहाँ मम्मी मेरी जो है हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे गुड़गांव में, सेक्टर 14 में हम लोग उतरे, और जैसे ही हम उतरते वहीं पर उन्होंने एक मतलब जिसे कहते हैं ना गाड़ी जो थी एकदम टूटी हुई गाड़ी वैगनार ली हुई थी, और लग भी नहीं रहा था कि मतलब कि ये वो प्रशासन के लोग होंगे। जिससे हमें देखा तो एकदम से मतलब 10-12 लोग आए, और उसमें से एक फीमेल भी थी जिन्होंने मेरे को बड़ी ज़बरदस्ती से धक्का दिया, और जो यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब थे जो हमारे IO थे जो उन्होंने भी मेरे को ऊपर से धक्का मार के और गिराया, जिसमें सभी जो शोरूम के लोग थे वो निकल के आ गए, और जितने भी यहाँ ऑफिस के लोग थे सभी निकल के आए कि ऐसा क्या हुआ है, और सतपाल जी को डाला, एक ने पैर पकड़े, किसी ने हाथ पकड़ा, उठा के उनको लेके चले गए, मैं और मेरा छोटा बेटा, फिर जो सामने शोरूम था उन्होंने मेरे को वहाँ छुपाया, क्योंकि वो कहते कि सर का फ़ोन इनके पास है, जबकि फ़ोन मेरे पास नहीं था, तो उस चक्कर में सर उन्होंने मेरे को पूरे शोरूम के अंदर ढूंढा, किसी अदर शोरूम में मेरे को छुपा हुआ था। तो ये कंडीशन मेरे साथ बड़ी क्रिएट हुई, फिर मैं वहाँ पर शाम तक 5 बजे तक वेट करती रही कि कोई मेरे को यहाँ से रिसीव करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था। उसके बाद में मैं रात को 7:30 बजे मिलने के लिए जाती हूँ, कि उस समय तो सतपाल जी ने को देखा, सतपाल जी काफ़ी घबराए हुए थे, उनके गाल काफ़ी सूजे हुए थे, और उनको ऐसी ऐसी वर्ड बोले गए तो शायद मैं आपके सामने बता भी नहीं सकती।
तो उन्होंने कहा किसी भी तरीके से मेरे को निकाले जाए, क्योंकि उनकी प्लानिंग को छोड़ती वो कुछ गैंगस्टर के भी नाम लेते, कभी प्रशासन के नाम लेते, कभी नुपुर शर्मा का नाम लेते, कभी कहते कि आप वो मतलब हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, आप हिंदू मुस्लिम के लिए क्यों खड़े हो, क्योंकि वो लोग कभी खड़े नहीं होते, इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे। और सारे के सभी ने मतलब इस तरह से झगड़ा हुआ था कि फिर सतपाल जी को ऐसे ऐसे वर्ड बोले गए कि वो कहते कि हम आपको आपके साथ ऐसी कंडीशन कर देंगे कि आपका एक छोटा बच्चा है, मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि आपका एक छोटा बच्चा है जो 5 साल का है, कि आप उसका भविष्य देखोगे, आपको बिल्कुल उन्होंने बोला आपका आपका 5 साल का बेटा है और अगर आप चाहोगे तो उसकी कभी शक्ल भी नहीं देख पाओगे, मतलब ये शब्द इस्तेमाल करे उन्होंने। अच्छा, जिस वक्त गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म थी, सिविल ड्रेस थी, सिविल ड्रेस क्या थे, सिविल ड्रेस गिरफ्तार कर रहे थे, तो क्या कह के किया, कोई रीजन बताया? नो, नहीं, मैं ड्रेस में थी, मैं भी आई थी ना, मैं कोर्ट से ही आई थी उस समय भी। तो जिस समय वहाँ पहुँचे तो सतपाल जी ने तो मास्क लगाया था, फिर मेरे को देखा तो पूछते कि सतपाल जी हो, तो सतपाल जी बोले हाँ मैं सतपाल जी हूँ, तो कहता अरे आपसे बात करनी है, पहले बोले बात करनी है, फिर उन्होंने गाड़ी के पास कहा ठीक है बात कर लेते हैं, बोला बात नहीं करनी, तेरे को तो उठाने हैं, बहुत घुमाया आप लोगों ने ना, तो बोला कि मैंने कहाँ घुमाया, मैं तो यही हूँ, आप बोला था मैं नोटिस पे आता, नोटिस दिया आपने, मैंने कहा सर मेरे को अरेस्ट वारंट दो, बोले कि आपके ना घर की सर्चिंग की जाएगी, मैंने कहा सर सर्च वारंट दे दो फिर आप मेरे को, दोनों चीज़ मेरे को चाहिए। जब उन्होंने नहीं दिया मेरे को, तो उन्होंने जब धक्का मार के मेरे को गिरा के तब उनको लेके गए। नुपुर शर्मा का कोई नाम लिया? नो, कुछ कहा कि किस केस में हम लेकर जाएं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बताया, मेरे घर तक नहीं पहुंचे, नोटिस तक नहीं दे मेरे को, अगर नोटिस देते तो हम खुद चल के जाते उनके पास में ना, लेकिन उन्होंने नोटिस भी नहीं देना, बिना नोटिस के उठाया। कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा कि वीडियो देखने से पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली आप लोगों ने, ये ऑर्डर में है, ये है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये पुलिस की वर्दी में अगर कोई व्यक्ति आता है और वो कानून के खिलाफ जाके कोई काम करता है, अपराध होता है, वो जुर्म होता है, वो दंडनीय अपराध होता है। पुलिस की वर्दी पहनने से ये नहीं होता कि कोई पुलिस की वर्दी पहन के डकैती डाल सकता है, तो ये अगर डकैती डालेगा कोई पुलिस का अफसर तो वो अपराध होगा, वो डकैती का मुकदमा उस पर दर्ज होगा। तो इस केस में भी जिस प्रकार से ये सारी कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार से उनको जान से मारने की कोशिश हुई है, कस्टोडियल टॉर्चर किया है इतना कि वो मतलब अधमरी हालत में हो जाए, उनकी बीमारी जानने के बाद भी उनको अगर पेट पे मारा जाता है तो ये एक तरह से हत्या करने की कोशिश है, और जिस तरीके से अरेस्ट किया गया ये भी एक तरह से अपराध ही है सारे। तो अगर पुलिस वाला भी कोई अपराध करता है तो वो भी भारत के संविधान के तहत मुलजिम होता है, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता है और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होती है। कह रहा हूँ ना कि अभी पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं है, अरेस्ट पहले कर लिया। देखिए, जो भी धर्म है, जितने भी धर्म हैं जी, वो सारे धर्म, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़्म हो, या जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो सब प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो सोशल मैसेज लाए कि इंसान इंसान के बराबर होता है और सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो भी खास प्यार करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद से। तो सिर्फ मुसलमानों को ही दर्द नहीं हुआ है, जो बदतमीजियाँ की जाती हैं उनकी शान में, उससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ को भी बहुत दुख होता है। तो उसी से दुखी होके वो उसके साथ खड़े हैं, मुसलमानों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं। बाकी जो ये इस तरह की बातें की जा रही हैं, मेरे जो पास जो सबूत हैं वो सब पुलिस ने एक झूठा मुकदमा बनके एक शेड्यूल कास्ट आवाज़ को दबाना था जो प्रॉफिट मोहम्मद के हक में खड़ी हो रही थी, उससे उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि दूसरे धर्म के लोग भी प्रॉफिट मोहम्मद की हिमायत में खड़े कैसे हो रहे हैं, इससे